आईटीआई टेक्निकल सपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। आज मैं ट्रिक व्यू लेकर आया हूँ, जो कि ऑर्थोग्राफी थर्ड एंगल में मैं आपको बनाऊंगा। ऑर्थोग्राफी इन हिंदी में है, चलिए देखते हैं कैसे बनता है। आप हेलो दोस्तों, आईटीआई टेक्निकल सपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आइसोमेट्रिक व्यू लेकर आया हूँ, जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये हमारा आइसोमेट्रिक व्यू है, जो कि एग्जाम में कुछ इस तरह दिए जाते हैं, और उसमें साइड व्यू, फ्रंट व्यू और प्लेन दिया होता है। इन तीनों को हमें ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन यानी थर्ड एंगल में हमें बनाने होते हैं। इसमें डायमेंशन दिए होते हैं, पूरे डायमेंशन कुछ इस तरह दिए होते हैं। आपको डायमेंशन देखकर ऑर्थोग्राफी को हमें बनाने होते हैं। चलिए ठीक है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में हम लोग चलते हैं कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में हम इस ड्राइंग को किस तरह हम बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि हम पहले देखते हैं कि हमारा फ्रंट व्यू किस साइड है और साइड व्यू किस साइड है। टॉप व्यू का बातें छोड़ दीजिए, हम पहले फ्रंट व्यू और साइड व्यू ही देखते हैं। तो हमारा फ्रंट व्यू राइट हैंड साइड है और साइड व्यू लेफ्ट हैंड साइड है। तो जो थर्ड एंगल में होता है, अगर हमें थर्ड एंगल बनाना है तो फ्रंट व्यू जिस साइड दिया होता है हम उसी साइड में फ्रंट व्यू बनाते हैं, और फ्रंट व्यू के ठीक ऊपर टॉप व्यू हम बनाते हैं, और साइड व्यू ठीक फ्रंट व्यू के बगल में हम बनाते हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड में। अगर राइट हैंड साइड में फ्रंट व्यू दिया है तो राइट हैंड साइड में, अगर लेफ्ट हैंड साइड में फ्रंट व्यू दिया होता तो हम लेफ्ट हैंड साइड में हम बनाते हैं। तो इसको बनाने के लिए हमें एक ग्राफ की आवश्यकता है, चाहे वो छोटा ग्राफ हो चाहे बड़ा हो, और चार्ट में आप ग्राफ जरूर बनाएं। तो चलिए देखते हैं, ये हमारा ग्राफ है, ये हम ग्राफ बनाए हुए हैं। आप इसे हम 5 mm रखे हुए हैं, तो आप 10 mm जरूर रखें। एग्जाम में 10 mm रखेंगे तो नीट एंड क्लीन दिखाई देगा। तो हम 5 mm में बनाए हैं, और 5 और 10 mm में दोनों बना सकते हैं। तो कुछ इस तरह से एक डार्क लाइन रहती है और एक हल्की लाइन होती है। जो हल्की लाइन होती है उसी के आधार पर हम ड्राइंग को बनाते हैं, या वो उसी के बेस पर, यानी इस लाइन के बेस पर हम ड्राइंग को बनाते हैं। इसको बनाने के लिए हमें ड्राइंग को समझना बहुत जरूरी है कि हमें ड्राइंग को आइसोमेट्रिक को ऑर्थोग्राफी में वो भी थर्ड एंगल में किस तरह हम बनाते हैं या किस तरह हम बनाएंगे। ये रहा हमारा ड्राइंग, जो कि कुछ इस तरह है। तो हम डायमेंशन देखेंगे, फ्रंट व्यू में फुल डायमेंशन देखते हैं, कुछ इस तरह से दिखाई देगा। फ्रंट व्यू में 75 है और ये 50 है। तो 75 50 का एक बॉक्स बनाते हैं, पहले हल्के लाइन से बॉक्स बना लेते हैं 75 × 50 का। चलिए देखते हैं, तो पहले हमारा क्या हो गया, ये यहाँ पर हम, ये हमारा राइट हैंड साइड है, तो हम 75 × 50 का एक बॉक्स बना लेते हैं। तो 75 यानी पहले 50 खींच लेते हैं कुछ इस तरह से। 50 को हम बिंदु लगा लिए, ये हमारा 50 है और 75 था, तो 75 कुछ इस तरह से हम 75 5 कुछ इस तरह से। फिर हम क्या करते हैं, इसको हम लाइन को हम कुछ इस तरह से घिंच देते हैं, ये देखिए हो गया। फिर इसके बाद हम क्या देखते हैं, फिर अब हमें एक बॉक्स बन गया, ये हमारा फ्रंट व्यू है 75, देखिए 75 और 50 का मैं एक बॉक्स बना लिया। अब बॉक्स बनाने के बाद हम राइट हैंड साइड, ये हमारा राइट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड में देखेंगे कि 50 mm है, और फिर यहाँ पर हम देखते हैं 12 mm। तो 50 mm को पहले हम मापते हैं, फिर यहाँ पर जो 12 mm दिया हुआ है हम राइट लेफ्ट में एकदम लेफ्ट वाले इस कॉर्नर पर हम 12 mm की ऊंचाई लेते हैं। यहाँ 50 की ऊंचाई लेंगे और यहाँ 12 का, फिर इन दोनों को हम मिला देते हैं। चलिए मैं उसी को बताता हूँ, ये देखिए राइट हैंड साइड में, ये हमारा राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है। तो राइट हैंड साइड में हमें 50 लेना है, तो ऑलरेडी 50 है ये हमारा, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर, देखिए ये 50 है और ये 50, ये 50 है। अब हमें यहाँ से डाउन से 12 लेने हैं,
डाउन से हम 12 लेते हैं, कुछ इस तरह से इसको डायरेक्ट घिंच लेते हैं, ये डायरेक्ट घिंचने के बाद हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हम मिला देते हैं। चलिए मिला देते हैं, देखिए इस पॉइंट को हम मिला देते हैं। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, चलिए फिगर देखते हैं। फिर इसके बाद अब ये हम देखते हैं कि इधर से कितना है, 25। तो लेफ्ट हैंड साइड से, इस लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड से हम 25 खींचते हैं, फिर 25। तो ऑलरेडी हमारा ये हो जाएगा। तो पहले हम ये भाग, यानी हम ये जो दिखाई देगा हमें ये भाग बनाना है, फ्रंट टू। तो हमें इसको बनाना है, तो हम क्या करते हैं, 25 25 का, 25 25 का दो नाप लेंगे, तो ऑलरेडी ये हमारा बन जाएगा। तो 25 यहाँ नापते हैं, लेफ्ट से राइट, फिर लेफ्ट से राइट नापते हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ से 25 हमारा ये रहा, पॉइंट लगा देते हैं यहाँ से, फिर 25 यहाँ पर। फिर इसी को हम क्या करते हैं, इसी को हम इसमें मैच कर देते हैं कुछ इस तरह से, फिर इसको भी हम मैच कर देते हैं कुछ इस तरह से। ये देखिए कुछ इस तरह से हमारा फ्रंट व्यू। अब हमें क्या बनाना है, ये देखिए हमारा ये बॉक्स बन गया, ये बॉक्स बन गया, ये बॉक्स बन गया। अब हमें ये चीज बनाना है, तो अब हमें इसकी दूरी कैसे पता चलेगी, जो कि यहाँ पर हमारा दिया हुआ है इसकी दूरी, ये देखिए, और ये एरिया देखिए, ये हमारा दिया हुआ 12 mm। तो 12 mm इसकी दूरी, यानी यहाँ से हम 12 mm यहाँ तक ले जाएंगे। कहाँ तक ले जाएंगे, यहाँ से हम 12 mm यहाँ तक ले जाएंगे। 12 mm ले जाने के बाद यहाँ से जो ऊंचाई होगी वो 90, यानी यहाँ से ऊंचाई हम लेंगे 12 mm यहाँ से, और यहाँ से ऊंचाई लेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 12 mm के लेंगे, और फिर ऊपर से 16, ये देखिए 16 है। तो चलिए देखते हैं, यहां से 12 mm, यहां से 12 mm लेंगे, तो ये रहा हमारा 12 mm। ये देखिए यहां से 12 mm आपे, तो हमारा बिंदु लगा दिए। फिर यहां से हम लगभग 16 mm, यानी 10 15 16 mm दिया है ऊंचाई, तो हम 16 15 16 mm की ऊंचाई ले लेते हैं कुछ इस तरह से, ये ऊंचाई। ऊंचाई लेने के बाद हम इसको कुछ इस तरह से मिला देते हैं, कुछ इस तरह से मिला देते हैं। अब मिलाने के बाद फिर देखते हैं हम ड्राइंग को, चले ड्राइंग को देखते हैं। फिर इसके बाद ये हमारा दिखेगा अगर हम इस सामने से देखेंगे, अब हमें ये चीज नहीं दिखाई देगा, तो इसको हिडन लाइन हम दर्शाते हैं। तो हिडन लाइन हम कैसे दर्शाएंगे, तो छुपी हुई वस्तुओं को दर्शाने के लिए हम हिडन लाइन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हमें ये स्लॉट कटी हुई है, तो स्लॉट हमें दर्शाना है फ्रंट में। तो इसको दर्शाने के लिए हमें यहाँ पर कुछ हिडन लाइन कुछ इस तरह से हमें दर्शाना है। तो इसकी ऊंचाई यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ तक इसकी 12 mm है, ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ इसकी इसकी ऊंचाई 12 mm है। तो हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड से हम 12 mm नाप के हम मिला देते हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ से अब हम क्या करेंगे, अब हेडर लाइन लगाना, तो यहाँ से हम नीचे 12 mm नीचे की तरफ ले जाते हैं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ से हम 12 mm 10 11 12 mm बिंदु लगाते हैं, और यहाँ से हम क्या करते हैं, और यहाँ से भी नाप लेते हैं, ये 12 mm पर ही है। तो हम क्या करते हैं, इसको हिडन लाइन दर्शा देते हैं कुछ इस तरह से, ये देखिए कुछ इस तरह से हिडन लाइन, दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, और ये बिंदु हमारा, ये जो ये भी लाइन है, ये हमारी सटी होनी चाहिए, और ये सब बराबर होनी चाहिए, एक समांतर होनी चाहिए, ये कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होना चाहिए, कुछ इस तरह से हिडन लाइन हम दर्शाते हैं। तो ये बनने के बाद हम क्या करते हैं, फिर चेक करते हैं, इसमें कोई चीज़ है नहीं, हमारा हेड लाइन हो गया, मतलब ये स्लॉट कटा हुआ है, तो उसको हम दर्शा दिए यहाँ से हेड लाइन से, ये हमें दर्शा दिए, तो ये हम दर्शा दिए, अब हमें कुछ बचा नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि इसको हम
इरेजर से मिटा देते हैं। इरेजर कहाँ गया भाई, अब इरेजर से हम इसको मिटा देंगे, नहीं तो अगर आप नहीं मिटाते हो तो आपका नंबर काट लेगा, सोचेगा कि इसमें भी वो ऐड है, तो आप इसे मिटाना ना भूलें क्योंकि भाई ये भी लाइन है। तो आप इस तरह से कुछ इस तरह से मिटा इसको मिटा दीजिए। देखिए ये हो गया हमारा, अब इस लाइन को ना मिटाए, जो डार्क लाइन है इसको ना मिटाए, और बस खाली इस वाली लाइन को मिटा देंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। और फिर ये हमारा फ्रंट व्यू बनकर तैयार। अब बनाते हैं साइड व्यू। साइड व्यू लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा, ये हमारा राइट हैंड साइड था, ये राइट हैंड साइड है, अब लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा, तो इसी के पैरेलल हमारा बनेगा। तो पैरेलल क्या है, पहले देखते हैं हम इसका, ये क्या है 63 दिया हुआ है, तो 63 साइड व्यू क्या है, 63 और 50, यानी ऊंचाई 50 है और इसकी लंबाई 63 है, तो 63 और 50 का हाइट है। तो चलिए देखते हैं, एक बॉक्स बना लेते हैं पहले, ये इसी के समानांतर बनेगा, इसी लाइन के समानांतर क्या है 63 है, तो गिन लेते हैं 61, 62, 63, ये लाइन बनेगा, ये 63 हमारा हो गया। तो हम क्या करते हैं, इस लाइन को हम खींच लेते हैं कुछ इस तरह से, खींचने के बाद हम बना लेते हैं एक बॉक्स, ये हमारा बॉक्स बन गया। अब बॉक्स बनने के बाद फिर ये जो पॉइंट है यहां पर देखिए, अब हमें ये चीज बनाना है साइड व्यू में, ये चीज हमें जब यहाँ से देखेंगे तो हम ये चीज साफ साफ दिखाई देगा, तो हम क्या ये चीज बनाना, तो यहाँ देखिए 12 mm, तो 12 mm का पहले ये हमें बॉक्स बना लेने हैं। बॉक्स बनाने के बाद तब हमें इसको बनाते हैं, तो पहले बॉक्स बना लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं। तो बॉक्स बनाने के लिए ऑलरेडी यहाँ पर 12 mm नापे हुए हैं, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर 12 mm नाप लेते हैं, तो 10, 11, 12 नापने के बाद यहाँ बिंदु लगा लेते हैं। बिंदु लगाने के बाद हम इस बिंदु से इस बिंदु को मैच कर देते हैं, मैच करने के बाद हम इसको कुछ इस तरह से मिला देते हैं, ये हमारा बॉक्स बन गया। बॉक्स बनने के बाद अब हम क्या देखते हैं इसमें ये देखते हैं कि ये जो हमारा है ये कैसे बनेगा। तो हम राइट हैंड साइड से 19 नापेंगे, यहाँ से राइट हैंड साइड से 19 हम नापेंगे, 19 के बाद हम यहाँ से 25 नापेंगे। 25 कहाँ से नापेंगे, ये हमारा दिया हुआ, देखिए 25 दिया हुआ ना, 25 दिया हुआ है, तो यहाँ से हम 25 नापेंगे, 19 यहाँ से और 25 यहाँ से, और इसकी हाइट कितनी दी हुई है 12, तो हाइट में पहले नापेंगे हाइट, फिर उसका दूरी 19। तो हम क्या करते हैं यहाँ से 19 नापते हैं, तो 19, 20 यहाँ से बिंदु लगा लेते हैं, 19 इधर से नाप लेते हैं और 19 इधर से नाप लेते हैं, तो 19 इधर से नापे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि 19 यहाँ से और 19 यहाँ से, 19 नापने के बाद फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, ये हमारा जो लाइन है वो इसमें इस लाइन पर मैच खाएगा। चलिए देखते हैं, इसको हल्के लाइन से ऊपर हम कुछ इस तरह से खींच देते हैं। खींचने के बाद हम क्या करते हैं, इस वाले बिंदु को हम इसमें मिलाते हैं कुछ इस तरह से, इसके मिलाने के बाद हम क्या करते हैं इसको इस तरह से खींच देते हैं। फिर इसके बाद इस वाले बिंदु को हम कुछ इस तरह से घिंच देते हैं, अब इसको हम मिला देते हैं, ये हमारा कुछ इस तरह से दिखाई देगा, और इसको हम मिटा देते हैं। इसको हम डार्क कर देते हैं कुछ इस तरह से, ये लाइन इसमें मिलेगा और ये लाइन इसमें मिलेगा, ये हमारा हो गया। फिर इसके बाद हमें ऊपर की तरफ बनाना है, तो ऊपर पे यहाँ पर दिया हुआ है 22 ये दिया हुआ है, 22 ये दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं 22 इधर से नापे हुए हैं
आप देख सकते हैं 22 इधर से नापे हुए हैं और 22 इधर से नापे हुए, हमारा 19 हो गया। फिर इसके बाद ये देखिए लाइन दिख रहा होगा, ये लाइन हम कुछ यहाँ पर मैच करेंगे। तो हल्के लाइन से हम क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं, और मिलाने के बाद इसको हम कुछ इस तरह से हम डार्क लाइन से मैच कर देते हैं। ये हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा। फिर ये देखने के बाद फिर हम क्या करते हैं, अब हमें ये चीज जो स्लॉट कटी हुई है अब इसे हमें दर्शाना है। तो इसे दर्शाने के लिए हमें ये स्लॉट कटी हुई है, तो हम इधर से देखेंगे तो हमें हेडेड लाइन दिखाई देगा और ये हमारा भाग कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो हम क्या करते हैं, ये 12 है और ये भी 12 होगा, तो ये चलते हैं। तो हम क्या करते हैं कि इसको दर्शाने के लिए हम यहाँ पर ये जो है ये लाइन हम बिंदु लगा देते हैं कुछ इस तरह से, इसको बिंदु लगा लेते हैं कुछ इस तरह से। लगाने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से कितना था 12 mm, 10 11 12 12 ये है, 12 यहाँ से ये कर लेते हैं और 12 ये कर लेते हैं। 12 करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, इसको डार्क कर लेते हैं और यहाँ से हिडन लाइन, क्योंकि वो स्लॉट है तो पूरा हिडन लाइन कुछ इस तरह से हमारा जाएगा। ये हमारा हेड लाइन है, क्योंकि जब ये स्लॉट आएगा ये स्लॉट, तो हमें ये लाइन इसमें ये दिखाई देगा, और ये हमें स्लॉट दर्शाना है तो हमें हेड लाइन पूरा यहाँ तक नीचे तक दर्शाना होगा। तो ये हमारा स्लॉट कट गया और ये स्लॉट हमें सामने से कुछ दिखाई नहीं देगा, तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो ये हमारा साइड व्यू बनकर तैयार हो गया। अब हमें कोई इसमें कुछ बाकी नहीं रह गया है, अब हमें टॉप व्यू बनाना है। तो टॉप व्यू हमारा फ्रंट व्यू के ठीक ऊपर बनता है। चलिए, तो टॉप व्यू में क्या है, 75 और 63, ये 75 और 63, यानी कि टॉप व्यू हमें ये बनाना है, ये हमें टॉप व्यू में बनाना है। तो यानी 63 और 75 का, यानी लंबाई 75 और चौड़ाई 63 रहेगा। चलिए देखते हैं, तो इसी का माप ले लेते हैं 63 का, ये रहा 63 75, ये हमारा 75 हो गया। फिर इसके बाद हमें लेना है 63 60, कुछ इस तरीके से, और कुछ इस तरीके से। अब इसको हम क्या करते हैं, कुछ इस तरीके से। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से ये हमारा टॉप व्यू का बॉक्स बन गया। बनने के बाद हम क्या करते हैं, ये जो है थोड़ा सा मिटा देते हैं, ये हमारा बॉक्स बन गया। ये हो गया हमारा 75 और ये हो गया 63। बॉक्स बनने के बाद फिर हम आते हैं ड्राइंग पर। ड्राइंग में देखते हैं तो ये हमारा गैप दिख रहा है, तो यानी ये साइड जो है हमारा गैप होगा, ये साइड गैप होगा, और ये आप देख ही रहे हैं 25। तो ये हमारा कुछ इस तरह से 25, और फिर यहाँ पर इसकी लंबाई दी हुई है 16 25। चलिए देखते हैं, पहले यहाँ से बनाते हैं 25, इसको बनाते हैं और 25 इसको बनाते हैं। पच्चीस ये हो गया,
25 के बाद इसको लाइन को हम पूरा कुछ इस तरह से खींच देते हैं, ये 25, 25 के बाद क्या है 12, 12 एमएम थी तो हम क्या करते हैं 12 एमएम ऊपर, यहाँ से भी 12 एमएम ऊपर, इसको कहते हैं मिला देते हैं, फिन ये देखिए ये भी 25 है ये भी 25 है, इसी लाइन को हम मिला दिए। मिलाने के बाद हम क्या करते हैं इसको, ये वाला गैप हमें स्लॉट दिखाई देगा ऊपर से तो हम मिटा देते हैं। मिलाने के बाद फिर इसके बाद हम ये वाला लाइन हम ऊपर की तरफ ले जाते हैं, हल्की लाइन, एकदम हल्की लाइन। क्या करते हैं इस वाली लाइन को हम हल्की लाइन से ऊपर से कुछ इस तरह से है, कुछ इस तरह से ये दिख रही है, फिर इस बिंदु को देखिए, इस बिंदु से हम फिर मिलाते हैं तो इस बिंदु को हम कुछ इस तरह से हल्की लाइन से, यहाँ आप देखिए, यहाँ आप दिखेगा आप हल्की लाइन से कुछ इस तरह से मिलाने के बाद फिर यहाँ से देखिए, आप देखिए यहाँ से देखिए 19 दिया हुआ है, नीचे से 19 की दूरी पर रहेगा तो हम क्या करते हैं यहाँ से 19 नाप लेते हैं, ये 19 नाप के बिंदु लगा लेते हैं और फिर हम यहाँ से भी 19 लगा लेते हैं, यहाँ पे बिंदु लगाते हैं। बिंदु लगाने के बाद हम क्या करते हैं इसको कुछ इस तरह से मैच कर देते हैं, ये देखिए मैच कर लिए। मैच करने के बाद 25 ऊपर लगा देते हैं, 25, अब 25 कहाँ लगाएंगे आप यहाँ पर देख सकते हो 25 दिया हुआ है, ये लंबाई और ये लंबाई 25 होगा तो वही हम किए हुए हैं और 25 यहाँ पर, यहाँ पर लगाने के बाद हम क्या करते हैं इनको मैच कर देते हैं कुछ इस तरह से, ये मैच। मैच करने के बाद हम क्या करते हैं जो हल्की लाइन थी हम कुछ इस तरह से मिटा देंगे तो पता भी नहीं चलेगा, कुछ इस तरह से मिटा दिए। मिटाने के बाद अब हमें ये चीज़ बनाना है, ये चीज़ बनाना है तो इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं इसी लाइन को हम हल्की लाइन फिन देंगे, इसी लाइन को हम क्या करते हैं हल्की लाइन कुछ जिस तरह ऊपर दिए थे उस तरह दे देते हैं। देने के बाद हम यहाँ से 22 नीचे से, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि नीचे से 22 दिया हुआ है, यहाँ पर 22 और यहाँ से भी 22 तो यहाँ से 22 दे देते हैं। 22 देने के बाद फिर 19 नाप लेते हैं, चलिए देखते हैं, बाईस देने के बाद 19, यहाँ 19 और इसको हम मिला देते हैं, ये हो गया 19, ये हो गया 19। अब क्या करते हैं इसको हम मिला देते हैं, ये हमारा टॉप व्यू बनकर तैयार हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं मिटा देते हैं। टॉप व्यू तैयार होने के बाद हम क्या करते हैं इन सारी लाइनों को मिटा देते हैं, इन सारी लाइनों को मिटा दिए, देखिए ये लाइनें सारे मिटा दिए। मिटाने के बाद यहाँ पर हम थर्ड एंगल का वो बना देंगे सिंबल, आपको सिंबल पता ही होगा थर्ड एंगल, नहीं तो हम डायग्राम में देंगे लास्ट में। और फिर चले देखते हैं इसका डायमेंशन हम दे देते हैं, टेन क्लीन डायमेंशन रहे तो आपको नंबर मिल जाएगा, तो कुछ इस तरह से डायमेंशंस हमारे कुछ इस तरह से रहेंगे। और यहाँ भी आप देख सकते हो पूरे डायमेंशंस, ये हमारे 5 mm में साइड व्यू, 5 mm में फ्रंट व्यू, कुछ इस तरह से आपको यह, ये हमारा प्लेन यानी टॉप व्यू, ये डायमेंशन है। एरो नहीं बना, एरो बनाना ना भूलें नहीं तो नंबर एग्जामिनर काट देगा।
तो कुछ इस तरह से आप एरो भी बनाना ना भूलें, एरो कुछ आपको इस तरह बनाना पड़ेगा। और जब आप साथ लिखते हो तो कभी साथ इस तरह ना लिखें, आप 75 दिया है तो 75 इस तरह ना लिखें, ड्राइंग में ये गलत हो जाएगा, तो इसमें नंबर आपको काट लेता है। 75 लिखना है तो कुछ इस तरह से आप 75 लिखें, तो ये सब आप ख्याल रखें। ये रहा, और यहाँ पर आपको सिंबल हम लास्ट में आपको दे देंगे थर्ड एंगल का, तो देख लीजिएगा। और ये रहा ड्राइंग। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह और भी वीडियो अपलोड करता रहूँगा।